मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसी भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के। मेरे नौजवान दोस्तों, आज आपके लिए बहुत मुबारक दिन है। आज त्योहार जैसा दिन है, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज राहुल गांधी ने, आज कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी घोषणा की है जो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए है, और ये ऐसी ऐतिहासिक घोषणा है, क्रांतिकारी घोषणा है, जिससे ना केवल नौजवानों का भविष्य बदलेगा, इस देश का, इस देश की राजनीति का, हम सबका भविष्य बदलने वाला है। क्योंकि नौजवानों के भविष्य पर ही सब निर्भर करते हैं, पूरा देश, पूरा समाज, हर एक पार्टी, हर परिवार, सब निर्भर करते हैं। जो युवा न्याय गारंटी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राजस्थान में आज ये घोषणाएं हुई। भर्ती भरोसा उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको पहली नौकरी पक्की है। और ये नौकरी ऐसा नहीं है कि छोटे से अंतराल में एक नौकरी मिली और खत्म। ये नौकरी आपके लिए एक कई द्वार खोलेगी, कई और अवसर, कई मौके आपको देगी, लेकिन पहली नौकरी पक्की। पेपर लीक से मुक्ति, ये एक ऐसी बीमारी इस समाज में आ गई है कि अव्वल तो एग्जाम होते नहीं है एंट्रेंस एग्जाम, और होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है और उम्र निकल जाती है। ये अब नहीं होगा। नौजवानों से इससे बड़ा धोखा और नहीं हो सकता जो अब तक होता आया है। गिग इकोनॉमी, हमारे साथी जो स्विगी और जोमैटो और इस तरह की सेवाएं देते हैं समाज में, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की गारंटी भी राहुल गांधी ने दी है। युवा रोशनी, यानी जो नौजवान अपने व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड कोष उनके लिए होगा। ये इसलिए मैं ऐतिहासिक कह रहा हूं, पिछले 10 साल से एक के बाद एक, कभी जुमलों में फंसा के रखा, कभी नारों में उलझा के रखा, कभी सपनों में व्यस्त कर दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। अब ये सब नहीं चल सकता। नौजवान के पास अब सब्र नहीं रहा, और ना ही हमारे में कोई सब्र रहा। कोई कारण है कि 1 घंटे में 2 नौजवान अगर आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसको रोकना जरूरी है। उसके लिए मुझे लगता है हर राजनीतिक दल, मीडिया, विपक्ष, समाज, सबको सिर्फ और सिर्फ इसे टॉप प्रायोरिटी, इसको प्राथमिकता मानना ही होए। अदरवाइज आर यूथ इज डूम्ड। ये हम नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी ने ठान लिया है कि नौजवान को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और अब नरेंद्र मोदी अगर आपके पास आए तो उनको पूछिएगा, पहले पिछले 10 साल की नौकरियों का तो हिसाब दे दो, वो नहीं दे पाएंगे। फिर उनको बताइएगा कि राहुल गांधी ने ये वादे किए हैं, ये गारंटीज दी हैं, वो फिर आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके करिकुलम में नौजवान नहीं है, उनके पाठ्यक्रम में आपका कल्याण नहीं है, उनके योजनाओं में नौजवानों की नौकरी नहीं है। उनको सिर्फ एक काम आता है, कैसे समाज को एक भावना से दूसरी भावना में व्यस्त रखना। अब वो दौर खत्म हो गया, एक नया दौर शुरू हुआ। आपका दौर है, हम और आप मिलकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे, एक नई राजनीति का निर्माण करेंगे, और आपके लिए एक नया भविष्य का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।